वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन होम कुकिंग। आज बनाएंगे आलू गोभी, इतनी ज़बरदस्त जायके वाली कि सब अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि इसका नाम आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। यहाँ पर मैंने गोभी का एक फूल लिया है जो कि तकरीबन 650 ग्राम का है। उसको इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। 4-5 आलू हैं जिनको भी इसी तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। ये एक बड़ी प्याज है जिसको कि बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अगर प्याज छोटी छोटी है तो 2-3 प्याज ले लीजिएगा। ये 2 टमाटर हैं जिनका कि पेस्ट बना लेंगे। ये 3 मिर्चें हैं और 1 इंच अदरक है, इसको भी इस तरह से कूट के रख लेंगे। सारी तैयारी हो गई है, अब पकाना शुरू करते हैं। एक पैन में 2 टेबल स्पून तेल डाल के उसमें गोभी डाल देंगे। गोभी को हल्के हल्के से इस पॉट आने तक के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसी पैन में आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। आलूओं पर भी हल्के हल्के मार्क्स आने तक फ्राई करना है। आलू और गोभी को एक अलग बोल में निकाल लेंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1/2 कप दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 1.5 चम्मच नमक, इतनी चीज़ें डालेंगे और डाल के बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिला के एक साइड पे रख देंगे। अब एक पैन गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे 1/2 कप तेल। तेल जैसे ही गरम होगा उसमें डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा, छोटे चम्मच से लेंगे टीस्पून। ज़ीरा जैसे ही चटक जाएगा इसमें डाल देंगे हम जो हरी मिर्चों और अदरक का पीस रखा था उसको, और डाल के 2 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को भी लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए प्याज को बस इतना ही भूनना है, ज़्यादा प्याज को जलाएंगे नहीं। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डाल के भी हमको थोड़ा सा भूनना है, इसलिए प्याज में थोड़ा सा भी कसर रहेगी तभी हम अदरक लहसुन डाल देंगे कि दोनों एक साथ मिल के अच्छे से भुन जाए। अब ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून बेसन। ये कच्चा बेसन है, इसको प्याज के साथ मिला के भून लेंगे। जब बेसन भुन जाएगा तो इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। सूखे मसालों में डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और 2 चाय के चम्मच धनिया का पाउडर। ये तीनों चीज़ डाल के अच्छे से मिला लेंगे। ये सूखे मसाले हैं, फट से हो जाएंगे, इसलिए केयरफुल थोड़ा सा रहेंगे। बस 1 मिनट के लिए ही भुनेंगे। जैसे ही मसाला हो जाता है इसमें हम टमाटरों को ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। गोभी की रंगत खूबसूरत से दिखने के लिए यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर है। और यहीं पर हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। नमक हम सिर्फ मसाले के हिसाब से डालेंगे क्योंकि गोभियों में हम पहले ही नमक डाल चुके हैं। मसालों को हम थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे ताकि इसका तेल वगैरह सब अच्छे से सेपरेट हो जाए। अब यहीं पर ऐड कर देंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। देखिए इसको भी डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। मसाला अच्छे से हो गया है, तेल पूरा सेपरेट हो गया है। अब हम यहाँ पर गोभियों को डाल देंगे। गोभी में जो कुछ पानी रहेगा उसको भी हम डाल देंगे। अब यहाँ पर डाल के इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम ढक्कन लगा के अच्छे से इसको पकाएंगे। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के बाद जब हम ढक्कन खोल के देखेंगे तो देखेंगे हमारी बिल्कुल अच्छी सी गोभी तैयार है। अगर आपकी गोभी में कुछ कसर रहती है तो आप यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए और ढक के पका सकते हैं। अमेजिंग आलू गोभी तैयार है। आप इसको पूरी, पराठा, नान, पुलाव किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वेजिटेरियन पार्टी के लिए भी ये परफेक्ट डिश है। ऊपर से हरी मिर्चें इस तरह से मोटी मोटी काट के और बारीक धनिया के पत्तों के साथ डेकोरेट करेंगे। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।